रोहित मनचंदा श्रीमती कांता मनचंदा के पुत्र हैं। श्रीमती कांता मनचंदा ने कांग्रेस पार्टी में अपना अहम योगदान दिया है और इसी कड़ी में रोहित मनचंदा भी कांग्रेस से जुड़ गए। ये दिल्ली साकेत से एमएलए की इलेक्शन लड़ चुके हैं। रोहित मनचंदा एमसीडी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो टॉक विद टॉप्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से मिस्टर रोहित मनचंदा। तो आइए आज उनसे जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो में। तो आपकी अर्लियर लाइफ की अगर हम बात करें तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो था, आपने पढ़ाई लिखाई अपनी लंदन से की, लेकिन आपकी मदर जो आपका फैमिली बैकग्राउंड में आपकी मदर मिसेज कांता मनचंदा जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रही हैं, तो क्या यही एक रीज़न रहा आपका पॉलिटिकल फील्ड में आने का या कोई और रीज़न? नहीं, बिल्कुल यही रीज़न रहा, क्योंकि मेरी मदर शुरू से ही गांधी परिवार से उनका संबंध रहा है और मैंने अपना बचपन और सब कुछ उसी परिवार से सीखा, जिसकी वजह से मैं आज उनको उनके कदमों पे मैंने चलने की कोशिश करी है। क्योंकि जिस तरीके से ये परिवार देश की सेवा करता है, और मैंने अपनी परिवार में यही सीखा है कि निस्वार्थ लोगों की सेवा करें जैसे ये परिवार करता है। आपने इस फील्ड में एंट्री की 2002 में और 2003 में ही आपको एक हार का सामना करना पड़ा। तो मतलब अगर हम देखें तो ओवरऑल आपकी लाइफ काफ़ी पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही, तो कैसा रहा आपका इस दौर इस बीच सफ़र? नहीं, मैं उस हार को हार नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि 2002 में मैं निगम के चुनाव को जीता मैंने, और 2003 में मुझे विधानसभा का चुनाव की लिए पार्टी ने सोचा कि मैं शायद उस काबिल हूँ कि मैं लड़ सकूं। तो मैंने 2003 का चुनाव पूरी मेहनत और ईमानदारी से लोगों के बीच में बैठकर, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना स्नेह दिया मुझे उस दौरान कि मैं कुल मात्र 116 वोटों से अपने जो ओपोनेंट थे उससे मैं रह गया, और 116 पे मेरा ख्याल दैट वाज उस टाइम पे लोएस्ट मार्जिन रहे वो, और इतने मेरा ख्याल जनता का प्यार एकदम से राजनीति में आने के बाद शायद बहुत कम लोगों को मिलता है, और मैं इसके लिए जनता का आभारी हूँ और आज भी वही कोशिश करता हूँ कि मैं जनता के बीच बैठा रहूँ। अगर हम बात करें मोदी सरकार की, तो बहुत सारी जगह ऐसी रही हैं जहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट किया है, लेकिन कई सारे ऐसे भी पॉइंट्स रहे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार को पिछले 4 सालों से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, आपकी क्या राय है इस बारे में? पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक ज़्यादा नहीं रखूँगा। आपने शुरू की कि मोदी सरकार ने बहुत जगह डेवलपमेंट किया है, तो मुझे कुछ ऐसे डेवलपमेंट उनके अगर आप गिनवा दें जो शायद मेरी भी सोच से लगे कि हाँ बहुत डेवलपमेंट हो गया है। स्वच्छ भारत से बड़ा फ्लॉप कोई कार्यक्रम नहीं हुआ आज तक हमारे देश में। आज आप अगर दिल्ली, हम बैठे हैं हिंदुस्तान की राजधानी, स्वच्छ भारत में जिस तरीके से पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसों का दुरुपयोग स्वच्छ भारत के नाम पे मोदी सरकार कर रही है। क्योंकि मैं तो सीधा सीधा निगम में रहा हूँ 5 साल, और उसके बाद अपने पूरी दिल्ली को घूमता हूँ। जिस तरीके से स्वच्छ भारत के नाम पे पैसा बर्बाद हो रहा है दिल्ली में, तो पूरे देश में कितना बर्बाद हो रहा होगा आप खुद सोच सकते हैं। अगर हम पिछले कुछ इलेक्शंस विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्टेट्स से हमें कांग्रेस हटती हुई नज़र आ रही है, धीरे धीरे कांग्रेस जो है पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या मेन रीज़न होगा? क्या ये मोदी लहर के कारण है या अब लोग कांग्रेस को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं पहले से? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि एक मोदी लहर निकली, लेकिन वो लहर ऐसी लहर थी कि जो सुनामी की तरह देश को बर्बाद करती जा रही है। वो लहर से किसी को आज आराम नहीं मिल रहा, और जिस तरीके से देश बर्बादी की तरफ निकल रहा है इस पिछले 3.5 साल में और 4 साल में मोदी सरकार की, लोगों को अपने आप समझ आ रहा है कि ऐसे थोड़ी लोगों ने, पुराने बुज़ुर्गों ने
इतने साल कांग्रेस को ही वापस सरकार ला के चुन के देते थे, देश को चलाया सरकार ने, आज हम जिस जगह बैठे हैं, आप टोटल हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके आज तक कितने साल अपोजिशन या उनका रूल रहा है, तो मोदी सर को लगता है कि यही 3.5 साल में आके देश को इतना चढ़ा बढ़ा दिया है। बाहर विदेश में घूमने से मेरा ख्याल जिस तरीके से ये सबको एक इस तरीके की राजनीति करते हैं कि लोगों को लगता है कि बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन बैकडोर में क्या हो रहा है कि देश बर्बाद होता जा रहा है। फ्रंट में तो आप मेकअप करके, पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के तैयार कर सकते हैं, लेकिन अंदर आत्मा कितनी आज परेशान और किस तरीके से शरीर ख़राब होता जा रहा है। तो भारत एक शरीर है जिसकी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि देश बहुत बहुत पीछे चलता जा रहा है। तो अब देश से आते हैं राजधानी की तरफ, बात करते हैं दिल्ली की। इन दिनों अरविंद केजरीवाल पे काफ़ी आरोप प्रत्यारोपों की लड़ी लगी जा रही है। एक टाइम पे जो पार्टी कहती थी कि हम साफ हैं, वो आज खुद ही कटघरे में खड़ी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली से ही मैंने चुनाव लड़े हैं और आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं जनता एक चीज़ समझे। 15 साल शीला दीक्षित जी ने मुख्यमंत्री बन के दिल्ली की सेवा करी, उनके साथ जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस हारी, उससे बड़ा जनता के लिए एक एग्ज़ाम्पल कोई सेट नहीं होना चाहिए। और देश में जनता को सीखना चाहिए कि प्रोफेसर प्रोफेसर हैं, टीचर टीचर हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, और आउटसाइडर आउटसाइडर हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने जिस तरीके से 67 सीट्स लाई, चुनके तो जनता नहीं भेजा, कोई उन्होंने नॉमिनेटेड तो आई नहीं। जनता को समझना चाहिए कि आगे आने वाले समय में इस तरीके से उनको पछाड़े कि कांग्रेस ही वापस आए, क्योंकि दिल्ली को कांग्रेस ही जिस तरीके से 15 साल बनकर शीला जी ने और कांग्रेस सरकार ने सोनिया जी के साथ तालमेल, मनमोहन सिंह जी के साथ तालमेल बनाकर शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके से काम करे, मेरे ख्याल हम किसी भी अपने इस जन्म में तो शायद किसी भी स्टेट में ऐसे काम नहीं देख सकते जिस तरीके से काम किए। और केजरीवाल साहब को तो हम यही कहेंगे कि ये जैसे उनके साथ अभी मेरे ख्याल आखिरी दौर में ही हैं वो अपने राजनीति करियर के ही, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता शायद उल्टा ही कर देगी, जैसे 67 और 3 का आंकड़ा रहा है, क्या पता उनके पास 3 भी ना बचे। जो ब्यूरोक्रेट्स को ब्यूरोक्रेट्स ना समझे, और काम तो देखिए ब्यूरोक्रेसी नहीं करना होता है, हम तो आज आते हैं, हारे हैं, जीते हैं, अलग बात है, लेकिन हमने काम तो ब्यूरोक्रेसी से कराना है, अफसरों से, और आप अफसरों की ही इज्जत ना करें। मैं ये नहीं कहता हूँ अफसर सारे ठीक हैं, नेता भी सारे ख़राब नहीं हैं, क्योंकि एक इम्प्रेशन ऐसा जाता है सारे नेता ख़राब हैं और सारे अफसर ख़राब हैं, तो हर जगह अच्छाई बुराई साथ चलती है। हमने भी 15 साल दिल्ली सरकार के साथ मिलकर तालमेल अफसरों से काम कराएं और दिल्ली सरकार चलाई है। सेंटर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है तो बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, तो भी तो अफसरों के साथ मिलकर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर शीला जी ने सरकारें चलाईं, काम चलाए, कौन सी ऐसी फाइलें थी जो नहीं। आज मेरा ख्याल आप और हम जो दिल्ली, हम तो फिर भी वो दिल्ली देखी है जहाँ फ्लाईओवर्स नहीं थे, लेकिन आज हमारे बच्चे और आप लोग जो आ रहे हैं ये तो नई दिल्ली देख रहे हैं ना आप लोग, मेट्रो वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, अंडरपास वाली दिल्ली, वो दिल्ली तो अब आप लोग देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम कांग्रेस, शीला जी और सोनिया जी के आशीर्वाद से हुआ। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, और अगर आम आदमी पार्टी को कोई कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं आगे के विधानसभा में, तो वो है बीजेपी। तो 2020 में कांग्रेस की कैसे, किस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमबैक करेगा इस बार? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इस बात पे मानूंगा कि आम आदमी पार्टी को टक्कर बीजेपी ही दे रही है। मेरा ख्याल कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर रहती है। आम आदमी पार्टी एक वो हवा का झोंका आया, मिट्टी का एक
चेहरे पे लेप लगा के लोगों के चला गया। और आने वाले समय में टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही रहेगी, और बीजेपी की जिस तरीके से निगम में फेलियर होता जा रहा है, लोगों को समझ आ रही है कि निगम में भी और दिल्ली सरकार में भी सिर्फ कांग्रेस ही कामयाब रहेगी। अभी राहुल गांधी हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो क्या आपने चेंजेस महसूस किए पार्टी में? सोनिया गांधी के आने के बाद अब राहुल गांधी आए हैं, आपको किस तरीके से गाइडेंस में चेंज नज़र आया? देखिए, गाइडेंस तो हमारे लिए मैं तो क्योंकि बहुत करीबी से इस पूरे परिवार को जानता हूँ, जिस तरीके से राहुल जी अब दोबारा कांग्रेस के नींव से लेके इमारत के ऊपर वाले तक संपर्क में अपने आप को रख रहे हैं, स्टेट बाय स्टेट हर जगह जा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, गुजरात में भी आपने उनके जो कनेक्ट का कमाल देखा ही है, कहाँ मोदी साहब और अमित शाह जी 150-150 सीटें गाते थे और चीखते थे, मेरे ख्याल डबल डिजिट में ही रह गए, अगर मेरी याददाश्त ख़राब नहीं है तो शायद 99 पे रुक गई आके बीजेपी। तो ये राहुल गांधी जी का ही चमत्कार वापस आ रहा है, थोड़े से हम 10-12 सीटों से रह गए, लेकिन मेरे ख्याल ये राहुल जी का ही सारा अब क्या है कि वहाँ पे तो ना केजरीवाल साहब थे ना कोई और थे, तो वहाँ पे तो राहुल जी और बीजेपी की ही अपने में टक्कर है। और बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि हम राहुल गांधी जी को सीधा नरेंद्र मोदी के साथ कंपेयर करते हैं। नरेंद्र मोदी एक 15 साल के मुख्यमंत्री, 20 साल उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस चलाया था गुजरात में और तब प्रधानमंत्री बने। राहुल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कांग्रेस पार्टी के अब अध्यक्ष बनकर, तो पूरे देश में बहुत अच्छा लगता है हमें कि राहुल जी की सीधी सीधी फाइट नरेंद्र मोदी साहब के साथ है। और राहुल जी यंग ब्लड हैं, पूरा मान सम्मान के साथ नए और पुरानों का तालमेल रखते हुए पार्टी को संभाला है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। जैसा कि आपने बताया कि गुजरात इलेक्शन में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, हालांकि जीत बीजेपी की हुई, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी क्या हमें ये देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल मिलेगा जी। 2020 में आप देखिएगा कांग्रेस वापस सरकार दिल्ली में बनाएगी, बहुत अच्छे मार्जिन से बनाएगी। कैंडिडेट्स हमारे राहुल जी अपने तरीके से बहुत अच्छे देंगे, और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, आज भी मेरा ख्याल मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें आप देखिएगा कि कांग्रेस लीड कर रही है अभी तक कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश में भी देखिए, वहाँ तो कितने सालों से बीजेपी सरकार है तो वहाँ क्या हो रहा है। हर जगह अब मोदी साहब का जो एक फ्रॉड वाला चेहरा था सामने लोगों के, तो वो अब लोगों को वो मखोटा जुमले की सरकार खुद बोला ना इन्होंने, वो तो जुमला था, तो खुद ही लोगों को हिंट दे रहे हैं कि हम क्या थे, हम क्या हैं, हम क्या दिखाएंगे। तो ये तो जनता को समझना चाहिए कि आपको जुमले वाली सरकार चाहिए या जो मनमोहन सिंह जी जैसे सरकार ने परफॉर्म किया 10 साल, उनको भी तो जनता ने चुन के भेजा, इनको भी जनता ने भेजा, आगे फिर जनता हमें चुन के भेजेगी। बट मेरी सिर्फ आपके माध्यम से जनता से ये गुजारिश है कि थोड़ा सोच समझ के वोट डाला करें, देखें कि पानी पानी है, दूध दूध है और कीचड़ कीचड़ है। तो 2020 में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है अपने शानदार प्रदर्शन के लिए। आज हमने बात की मिस्टर रोहित मनचंदा से और जाना उनका राजनीतिक सफर जो काफी अनोखा रहा। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे शो से जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।